ये जी उधर हमने लकड़ियों को आग लगाई है, जो फारग लकड़ियाँ होती हैं ना इजाफी, जो किसी काम की नहीं होती, फिर उन सबको मिला के ना हम लोग आग लगा देते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ना, ये भी इकट्ठी हुई पड़ी हैं, वो भी उधर हमने इकट्ठी की हैं, तो उनको हमने आग लगा दी है। क्योंकि ये कांटे वाली लकड़ियाँ हैं ना, ये हम चूल्हे वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। आपको कांटे नज़र आ रहे होंगे इनकी तरफ से, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कांटे नज़र आ रहे होंगे आपको, तो ये बंदा यूज़ नहीं कर सकता चूल्हे वगैरह में भी, तो ये बेकार है यूँ समझे बिल्कुल। तो इनको हम लोग ला देते हैं, ये देखें जी, ये हमने आग लगा दी है सारियों को। अब आग की तपश इतनी है, हालांकि वहाँ मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, यहाँ पे वहाँ से मुरमाइश आ रही है आग की, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। इसे चूल्हे वगैरह नहीं में बाल सकते, पठान चाह बन बठे कि बहू एक ही जात है, कुछ जिथा कुछ जिथा कुछ जिथा कुछ जिथा पानी आता ना पिया ना जी थोड़े बाद चले हूँ आखी जगह ना आनी चाहिए। ये जी बाकी ये जो लकड़ियाँ रखी हैं, इनको भी उठा के उसी के ऊपर डालेंगे, ताकि ये लकड़ी इनको अलग से आग न लगानी पड़े, ये भी वहीं पर जल जाएं। क्योंकि आप लोग हवा देख सकते हैं, हवा भी काफ़ी तेज़ है, दरख्तों को पत्तों में आप लोगों से फील होगा काफ़ी तेज़ हवा है, तो बार बार आग लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये लकड़ियाँ भी उसी आग में जला देंगे सारी। ये देखिए जी, जैसे ही लकड़ियाँ के ऊपर हम लोग डालते हैं ना, तो आग बहुत ज़्यादा तेज भड़कने लग जाती है, आग के मतलब पटाखों की आवाज़ें भी आप लोगों को आ रही होंगी। तो ये लकड़ियाँ हैं ना थोड़ी गीली लकड़ियाँ हैं, इस वजह से ये वो आवाज़ आ रही है उनसे, अगर खुश्क लकड़ी हो ना तो उससे इतनी वो नहीं होती, ये थोड़ी गीली गीली लकड़ियाँ हैं ना, पीछे हो जाता हूँ यार, ये देखिए